चैप्टर 16। घर लौटने को ऑटो से वापस चल दिया। दिन का सफर पूरा होने को ही है। दिन थककर सुस्ताने लगा है। अचानक मैंने घर से कुछ दूर पहले ही ऑटो रुकवा दिया और सामने पार्क में चला गया। इस पार्क का नाम है रामबाग। रामबाग में एक पेड़ है जिससे मेरी दोस्ती है, और ये दोस्ती है 20 साल पुरानी। बहुत साल तक मैं सुबह इस पार्क में सैर को आया करता। ऐसे ही एक दिन अचानक मेरी नज़र इस पेड़ पर पड़ी तो मुझे लगा कि मुझे बुला रहा है। जैसे ही करीब गया तो लगा कुछ बोल रहा है। अचानक मैंने उसे अपनी बाहों में भर लिया तो उसकी सख्त खाल की दरारों से मुझे कुछ अजीब सी रेशमी तरंगे अनुभव हुई। मैंने पेड़ की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया और दोस्त का नाम भी रख दिया, हसमुख। इसके बाद मेरा नियम बन गया रोज सुबह सैर शुरू करने से पहले हसमुख को गले लगाना, बातें करना और ढेर सारी ऑक्सीजन लेकर सैर करके वापस आते हुए भी उसे मिलकर आना। कुछ वर्षों बाद सैर छूटी, हसमुख से मिलना बहुत कम हो गया। आज जाने क्यों मन हुआ कि मुझे हसमुख से मिलना ही है। यही सोचकर मैं जैसे ही पार्क में घुसा, मेरी नज़र सीधे हसमुख पर पड़ी। लगा हसमुख ने आवाज़ लगाई मुझे, और तेज़ तेज़ कदम भरता मैं उसके पास पहुंचा तो बाहों में कसकर भर लिया। जैसे ही मैंने उसे चूमा तो पास से गुजरते हुए लोग मुस्कुरा दिए। उन्हें लगा होगा कि कोई पागल है। हसमुख ने एक ऑक्सीजन से भरा हुआ झोंका दिया मुझे और पूछा, कैसे हो दोस्त? मैंने भी अपनी पूरी व्यथा कथा सुना डाली, जैसे कोई बहुत निकटतम मित्र से साझा करते हैं। मुझे लगा मेरे सर पर किसी ने हाथ रखा है और बोला कि चिंता मत करो दोस्त, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। कहकर मैंने हसमुख की दरारों में उंगलियां घुमाई और विदा बोलकर घर की तरफ चल दिया। शाम ढल चुकी है। घर पहुंचा तो मम्मी पापा जी इंतज़ार कर रहे हैं अपने सवाल के साथ, और झूठे जवाब से उन्हें आश्वस्त किया कि सब ठीक है और अपने कमरे में आ गया। चैप्टर 17। 30 सितंबर 2014 दिन मंगलवार। मंगलवार शुभ दिन माना जाता है। आज पहली कीमो का दिन है। मनु सुबह 7:30 हॉस्पिटल छोड़ गया। तब तक विवेक भी पहुंच गया। एडमिशन 8 बजे से शुरू होता है। टोकन लेकर इंतज़ार करने लगे। मन को अच्छे से तैयार कर रहा हूं कीमो के लिए। जानता हूं सिम्प्लेटिन दवाई लगनी है। असल में 1997 से 2000 तक के 3 वर्षों ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। श्रीमती जी के इलाज के दौरान कैंसर के बारे में मुझे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिला। रक्तदान से जुड़े होने के कारण बहुत सारे कैंसर स्पेशलिस्ट के संपर्क में आया। रक्त प्लेटलेट्स जुटाने का मेरा प्रयास रहता। मेरे संपर्क में विशेष तो डॉक्टर अशोक वैद्य, डॉक्टर कटारिया, डॉक्टर चतुर्वेदी ही थे, मगर परिचय बहुत डॉक्टर से हुआ। मामा जी जहाँ जहाँ टिक लगे हैं साइन कर दीजिए। विवेक ने फॉर्म जमा करवाया और फाइल लेकर हम चल दिए 7वें फ्लोर पर। रूम में 2 पेशेंट की व्यवस्था है। खिड़की के पास वाली साइड पर मेरा बेड है। अपना सामान रख कर मैं खिड़की के पास आ खड़ा हो गया। 7वें फ्लोर की ऊंचाई से दूर दूर तक फैली दिल्ली को देखने लगा। मामा जी अभी तो कीमो शुरू होने में टाइम है, मैं कैंटीन से ब्रेकफास्ट करके आता हूँ, आपके लिए कुछ लेकर आऊँ? अरे नहीं, मैं नाश्ता करके आया हूँ, तुम जाओ और आराम से आ जाना। कुछ देर में सिस्टर आई और कैनुला लगाकर चली गई, साथ ही ड्रिप भी लगा गई। विवेक आ चुका है, साथ ही आई चाय और बिस्किट। डॉक्टर शिखा राउंड पर आई, फाइल देखकर चली गई। हेलो अंकल, गुड मॉर्निंग, मैं आपकी डाइटिशियन हूँ, आपका डाइट चार्ट दोपहर तक भिजवा दूंगी। अगर आपको कुछ पूछना हो तो मेरा नंबर होगा इस चार्ट पर, आप पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, विश यू स्पीडी रिकवरी। ड्रिप चल रहे हैं। जब भी खत्म होता है विवेक सिस्टर को बुला लेता है। सिस्टर अगला पैक लगाकर चली जाती है। शाम 5 बजे तक कीमो चली। अब रेडिएशन के लिए बेसमेंट में जाना है। एक अटेंडेंट व्हीलचेयर से वहां तक छोड़ आया।
और 20 मिनट बाद रेडिएशन कराकर 7वें फ्लोर ले आया। जब तक मेडिक्लेम क्लियर होकर नहीं आएगी तब तक डिस्चार्ज नहीं मिलेगा। डॉक्टर प्रदीप को फ़ोन किया और रिक्वेस्ट की क्लेम जल्दी क्लियर करा दो। 15 मिनट में सब हो गया और हम लौट चले ऑटो से घर की ओर। चैप्टर 18। आज तो बहुत देर कर दी, मम्मी ने घर में घुसते ही सवाल किया। आज कोई इंजेक्शन लगाने थे, उसकी वजह से शाम तक रहना पड़ा। ये इंजेक्शन हर हफ्ते ही लगना है, कोई साइड इफेक्ट ना हो इसीलिए रोक कर रखते हैं। ये कहकर अपने रूम में चला गया। तब तक मनु और संजय भी आ चुके थे, विराट भी। सबने हालचाल पूछा और चले गए। रात के 10 बज चुके हैं, सोने की कोशिश कर रहा हूँ, नींद नहीं आई। तभी श्वेता का फोन आ गया और आधा घंटे बात हुई। बातें करते करते मन हल्का हो गया। सामने अंधेरे की एक चादर फैली है, उस पर मेरी तस्वीर उभरती है। मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। 35 रेडिएशन होनी है, मतलब 7 सप्ताह लगेंगे। 7 सप्ताह अचानक बहुत लंबा समय लगने लगा। तो मन ने बोला, देखो दोस्त, 35 से तो 7 कम ही है ना। अब अगर तुम इसे और कम करना चाहते हो तो एक और तरीका है मेरे पास। बताओ बताओ क्या? अरे, पहला हफ्ता तो इस उत्साह में बीत जाएगा कि पहला है, और आखिरी हफ्ते को ऐसे बिताना कि लो हो गया खत्म। रह गए 5, तो 1 2 3 2 1 करके निपटा देना। हाँ, मैं सचमुच हंस दिया। क्या तरीका खोजा है तुमने। मन ना असल में जितना जिद्दी होता है उतना सरल भी होता है। ऐसे जुगत लगाना तो ज़िंदगी खुद सिखाती है, कोई सिलेबस में तो पढ़ाया नहीं जाता। अपने मन के सुझाए फॉर्मूले से खुद ही इम्प्रेस हो गया मैं। कल का दिन भी दुकान नहीं जा पाऊंगा, इसका अंदाज़ा मुझे हो गया है। कल दिन भर घर पर रहना है, जो मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। मुझे बेकार से लगने वाले सवालों के जवाब दिए नहीं जाते। सच तो ये है कि मुझसे जवाब ही नहीं दिए जाते। जानता हूँ मेरी इस चुप्पी को लोग कैसे कैसे समझते हैं। अधिकतर तो पागल ही मानते हैं, बेवकूफ, नालायक, जाने क्या क्या। खैर, वह उनकी सोच है, मैं तो जैसे हूँ वैसा ही हूँ। चैप्टर 19। रेडिएशन का 4था दिन है। आज सुबह 7 बजे से भी 5 मिनट पहले पहुंच गया। देखा एक पेशेंट और है, मतलब मेरा तीसरा नंबर है। मेरे साथ एक सरदार जी बैठे हैं जो मुझे बार बार देख रहे हैं। मुझे लगा वह बात करना चाहते हैं, तो मैंने ही उनसे पूछ लिया, कितनी रेडिएशन हो गई आपकी? तो बहुत नेगेटिव सा जवाब दिया उन्होंने। ऐसा क्यों कह रहे हो आप, रेडिएशन के बाद बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ना जी, कोई चांस नहीं, सब लोग तो यही बोलते हैं, कैंसर वाला कोई नहीं बचता। सब कौन? आपके रिश्तेदार, आपके जानने वाले? वो सब डॉक्टर हैं क्या? उन्हें कुछ नहीं पता। आप अच्छे मन से ट्रीटमेंट करवाओ, आप ठीक हो जाओगे। सरदार जी की आंखें नम हो गई और तभी उनका नाम पुकारा गया और वह रेडिएशन कराने चले गए। अचानक उनके साथ आई उनकी बेटी ने मुझसे बातें शुरू कर दी। बोली, शुक्रिया अंकल जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आपकी बातों में कितनी पॉजिटिविटी है। आपको कहाँ है कैंसर? मुझे नेजोफेरिक्स में है। ये कहाँ होता है? नेजोफेरिक्स आपके गले का शीर्ष है, जो आपकी नाक को आपके श्वसन तंत्र से जोड़ता है। इससे पहले कुछ और बात होती, मुझे तैयार रहने को कहा गया। असल में जब रेडिएशन रूम में पेशेंट की रेडिएशन पूरी होने वाली होती है, अगले पेशेंट को बाहर आकर कुर्सी पर बैठ जाना होता है। रेडिएशन मशीन पर लेटते ही मुझे सेकंड्स पहले कुछ अनुभव ने घेर लिया। ये तो बहुत ही अच्छा था। किसी से 4 बातें करो, उनको थोड़ा सा मोटिवेट करो, साथ ही खुद ही मोटिवेट हो जाओ। वह तो ठीक, लेकिन इस मशीन पर लेटे लेटे तो नेगेटिव बातें ही दिमाग में आएंगी, इनसे भी तो बचना है, मन बोल रहा है। तो ऐसा करो, मन ही मन में एक छोटी सी कविता लिखो। क्या लिखूं? अरे हाँ, लिखता हूँ ना। ना गिला कोई, ना शिकवा, ना शिकायत है, जिंदगी जो भी दिया तूने तेरी इनायत है। एक और है, तनाव। एक नाव है, अच्छे से चलाई पार पहुंचा देगी, संभल कर ना चली जरूर डुबो देगी। हो गया अंकल जी, उड़ जाइए। वाह जी वाह, ये तो सुपर फॉर्मूला है, मन मुस्कुरा दिया। चैप्टर 20। आज रेडिएशन नहीं होनी है, शनिवार और इतवार 2 दिन की ट्रीटमेंट से छुट्टी। सुबह ही संजय के साथ दुकान पर चला गया।
एक हफ्ता दो हिस्सों में बट गया है। 5 दिन इलाज, 2 दिन छुट्टी। असल में 5 दिन भी दो हिस्सों में बट गए हैं। सोमवार को फॉर्मेलिटी पूरी करो, मंगलवार कीमो, बुधवार आराम, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन रेडिएशन के। दोपहर में कोई मरीज के रिश्तेदार आए मेरे पास, उनके पेशेंट की अर्जेंट सर्जरी होनी है। 6 यूनिट ब्लड चाहिए। मुझे तो ब्लड डोनेशन का काम छोड़े 4 साल बीत गए। मैं तो किसी के संपर्क में भी नहीं, क्या करूं? अजीब सी स्थिति में फंस गया। एक बार ट्राई तो करके देख लो, जो बहुत क्लोज थे शायद कोई मान भी जाए, मन ने सुझाया। 6 लोगों को फ़ोन किया तो उनमें से 3 तो मान भी गए। जैसे ही उनको मेरे बारे में पता चला तो सबने मिलने आने की जिद भी की। 3 वह 1 विवेक 4 हो गए। तो ब्लड बैंक बात की, उन्होंने 2 यूनिट देने की हामी भर दी। इतवार के दिन भी मैं दुकान पर था तो उस मरीज की माँ और बहन मुझसे मिलने को आए और कुछ किताबें मेरे लिए उपहार में लेकर आए। मैंने भी राहत की सांस ली, ईश्वर का आभार व्यक्त किया कि इस मुश्किल हालात में मेरी परीक्षा तो ली मगर रास्ता भी दिखा दिया। सोमवार है, टेस्ट रिपोर्ट सब नॉर्मल है। रेडिएशन के बाद दुकान पर आया, बस इसी तरह अपने को व्यस्त रखना चाहता हूँ। विवेक सीधा मेरठ से BLK हॉस्पिटल पहुँच जाएगा। मैं भी 8 बजे पहुँच गया। इस बार तो सब ठीक से आराम से हो गया। जब रूम में पहुँचे तो देखा कि अभी 8:30 हैं, 9 बजे से पहले तो कीमो शुरू नहीं होगी। खिड़की के पास खड़ा शीशे से बाहर झांकता रहा, जैसे छोटे होते स्टेशन पर रेलगाड़ी देखने जाते थे वैसे ही आज खड़ा मेट्रो ट्रेन को आते जाते देख रहा हूँ। 9 बजे सिस्टर नैन्सी आई। पिछली बार हुई हमारी बातचीत से वह मुझे पहचानने लगी है। उसने बाएं हाथ में कैनूला लगाने की कोशिश की मगर ठीक से लगा नहीं, तो उसने सॉरी बोलकर दाएं हाथ में कैनूला लगा दिया और ड्रिप चालू कर दिया। पहली कीमो के अनुभव से मुझे समझ में आ चुका है कब क्या लगना है, कितनी देर में ड्रिप बदलेगा और शाम तक ये सब चलता रहेगा। विवेक कोई किताब लेकर आया है, उसे पढ़ने में व्यस्त है। अक्टूबर का महीना है, वैसे तो गर्म है मगर जाने क्यों मेरे पैर ठंडे होने लगे, तो पैरों से कंबल सरका लिया। चैप्टर 21। मन में विचार आते जा रहे हैं। मुझे याद आया एक बार किसी ने मुझसे कहा था, तुमने सुना होगा लोग अक्सर कहते हैं ना कि सोच कर बोलना चाहिए। मेरा मानना है कि सोचना भी सोच कर ही चाहिए। इस समय ये बात का याद आना एक मैसेज ही है कि मुझे सोच कर ही सोचना है। सोचना तो हमारा रुकता नहीं है, लेकिन अधिकतर हम अतीत में घुसे रहते हैं या भविष्य की कोई कल्पना में। अगर कल्पना ही करनी है तो सुंदर से भविष्य की कल्पना क्यों ना की जाए। कीमो कराते कराते सेवा सोचने के मुझे करना भी क्या है। हेलो अंकल जी, कैसे हो आप? सोचने से पहले ही सोच छूट गई। देखा सामने डाइटिशियन खड़ी हैं। आज तो मंगलवार है, कढ़ी चावल ही मिलेंगे खाने में। मुस्कुराते हुए मैंने पूछा तो वह भी मुस्कुरा दी। जी अंकल जी, मंगलवार तो यही बनता है यहाँ। आप अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखना, आपको थोड़ा थोड़ा खाना है हर 2-3 घंटे बाद। दूध तो पी सकता हूँ ना मैं? बिल्कुल, रात में ज़रूर पीना है। अरे मामा जी, रात में तो वाइट वाइन पीते हैं, उसके बिना तो इनको नींद नहीं आती है, विवेक ने मुस्कुराते हुए बोला। नो, कोई वाइन नहीं मैम, मामा जी दूध को ही वाइट वाइन बोलते हैं। इस बात पर हम तीनों हंस पड़े। इस हंसी की खुशी बहुत देर तक मन में रही, इतनी देर कि कीमो का लगभग शेष समय ही बीत गया। शाम बस आने को है, चाय पीने के बाद नीचे रेडिएशन के लिए जाना है। आज मुंह में एक अजीब सा कसैला स्वाद है, ये शायद कीमो वाली दवा का ही है। उल्टी रोकने का इंजेक्शन तो पहले ही लगा देते हैं। रेडिएशन करवा कर लौटने लगा तो सोचा डॉक्टर प्रदीप को मेडिक्लेम क्लियर करने को बोलता हूँ, तो उन्होंने बोला डॉक्टर राम BLK में ही हैं, उनसे मिल लो। मेडिक्लेम क्लियर हो गया, कैनुला भी निकल गया, तो हम ऑटो से घर लौट रहे हैं। मन ही मन सोच रहा हूँ घर पर अब सभी प्रश्न करेंगे, क्या उत्तर देने हैं मुझे। मगर घर पहुँचते ही पापा जी ने बिना कोई सवाल किए बोला, जा रेस्ट कर ले अपने कमरे में। बहुत राहत महसूस हुई। चैप्टर 22। मेरा कमरा, 4 दीवारें, 1 छत, 1 दरवाज़ा और मैं अक्सर कमरे के कोनों को देखता हूँ तो सोचता हूँ कि ये कोने कितने सच्चे दोस्त हैं। वैसे अक्सर तो बेकार सामान को हम कोने में रख देते हैं, मैं भी अपने दुख तकलीफ़ें इन कोनों में सहेज कर रख देता हूँ।
भांजी की शादी के दिन जैसे जैसे करीब आ रहे हैं, रिश्तेदारों का आना जाना शुरू हो रहा है। जब उनके पास कोई आएगा तो निश्चिंत ही मम्मी पापा को बिना मिले तो जाएगा नहीं, घर पर हूँ तो मुझे भी मिलना ही पड़ेगा। रिश्तेदार जब तक बात की तह तक ना पहुँचे उन्हें मज़ा ही नहीं आता। मैं इसीलिए इस RBI रिलेटिव इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो से बचने की कोशिश करता हूँ। मेरी अपनी एक अलग ही दुनिया है। मेरी दुनिया में वह सब लोग हैं जिनसे मेरे विचार मिलते हैं, इनसे मैं सब कुछ बांट सकता हूँ। मोबाइल फ़ोन ने तो सब कितना आसान कर दिया है, जिससे जब चाहो बात कर लो, वीडियो कॉल करके मिल लो। मनु से सब शेयर करूँ इतना समय ही नहीं मिल पाता। रात देर से आता है तो मैं सो चुका होता हूँ, फिर दुकान के बाहर के काम भी उसे ही करने होते हैं। आज भी किसी काम से गया तो आते आते उसे शाम के 6 बज गए। हेलो, कैसे हो? कितनी कीमो हो गई? देखा सामने डॉक्टर नारंग जी खड़े हैं। मेरी दुकान से अगली दुकान में आपकी क्लिनिक है और 1992 से हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। नमस्ते सर जी, 2 कीमो हो गई है। मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें दुकान पर नहीं आना चाहिए, तुम्हारे पास दवाई लेने सब मरीज आते हैं। कीमो रेडिएशन से तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हो रही है और वीक होती जाएगी। तुम्हें और कोई इन्फेक्शन से खुद को बचा कर रखना है। मनु है ना, सब संभाल लेगा। और हाँ, ऑल द बेस्ट। मुझे भी लगा एकदम सही बात है और रात में मनु को बता दिया जो डॉक्टर साहब ने बोला। और यही फाइनल हुआ कि अब जब तक ट्रीटमेंट पूरा नहीं हो जाता दुकान पर नहीं जाऊंगा। चैप्टर 23। आज रेडिएशन करवा कर घर लौटते ही ऐसा लगा कि बुखार हो रहा है, उल्टी आने को मन हो रहा है। कीमो के साइड इफ़ेक्ट्स हैं जानता हूँ। दवा खाई, ब्रश किया और सोने की कोशिश करने लगा। मोबाइल की घंटी बजी, देखा श्वेता का फ़ोन है, उठाया ही नहीं। किसी से भी बात करने को मन नहीं है। फ़ोन शांत हुआ, मन अशांत हो गया। बाहर ड्राइंग रूम में कुछ रिश्तेदार आए हैं, मुझसे मिलना चाहते हैं, मगर मैंने अपने गले की तरफ इशारा करके बताया कि मुझसे बोला नहीं जा रहा, तो वो चले गए। सारे टेस्ट तो हो गए हैं, कोई नाक में गांठ है, शुक्र है वो नहीं है जिसका डर था, कोई बिजली से सिकाई करके जला रहे हैं। पापा जी आए रिश्तेदारों को बता रहे थे, उनके गुप्त शब्द वो का मतलब कैंसर से ही है। मेरे मन के होठों पर एक पीड़ा भरी मुस्कान तैर गई। मन ही मन बोला, अरे पापा जी ये वही है। आज तो खाना भी नहीं खाया, पूरा दिन अपने आप से लड़ते झगड़ते समझते समझाते हुए बीता। अगले दिन रेडिएशन कराने गया तो पहले ही नंबर पर मुझे बुला लिया गया। अक्सर राकेश ही रहता है सुबह के समय, उसे भी मुझसे मिलना बात करना बहुत अच्छा लगता है। मेरा भी यही रहता है कि जो भी मुझे मिलता है उससे बातें करूं, समझता हूं और कुछ पॉजिटिव देने की कोशिश रहती है मेरी। अंकल जी, रेडिएशन के साइड इफ़ेक्ट्स अब मुंह में आएंगे और आपको ओरल हाइजीन पर विशेष ध्यान देना है, राकेश ने कार्ड मुझे थमाते हुए कहा। कैसा होता है ना कि कोई इतने अपनेपन से मन से आपका ख्याल रखने लगे तो मेरे मन में भी उसके प्रति प्यार जागना और उसकी फिक्र होना नेचुरल ही है। ज़िंदगी में व्यवहार से बहुत कुछ हासिल किया जाता है। सोचता हूँ तो मुझे मेरे व्यवहार के कारण स्वीकारा भी गया और धुतकारा भी गया। चैप्टर 24। आज पहली बार महसूस हो रहा है कि किसी का साथ होना कितना ज़रूरी है। श्रीमती जी होती तो बात अलग होती, अब ऐसे में किसके पास इतना समय है जो मुझे समय दे। मुझे चाहिए कोई ऐसा जो मेरे मन की बात को समझ ले, ऐसा भी होता है क्या? खुद से पूछा मैंने तो उत्तर भी नहीं दे पाया। शायद अधिक भावुक हूँ इन पलों में, तो अपने ही लिखे शब्द याद आए मुझे। मैंने ही अपनी किताब खामोश इमारत में लिखा है कि इंसान को इमोशनल भी होना चाहिए और प्रैक्टिकल भी। भावुकता हमें अपने भीतर की गहराई तक ले जाती है, जहां अंतर्मन से निर्देश मिलते हैं और इन्हीं निर्देशों का पालन करने से हमारा प्रैक्टिकल व्यवहार शुरू हो जाता है। मगर इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर रखना ज़रूरी है, जो ज़िंदगी ही हमें सिखाती है। अरे ये बातें तो मैंने सुधा दी से कही थी। सुधा दी ऐसे तो मेरे साथ कुल 2 ही बरस रही जीवन में, मगर वह मेरे और मैं उनके मन की बात जान लेता था। जाने क्या सोचकर मैंने खामोश इमारत किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया।
गलती से मैंने शायद फ़ोन में रिकॉर्डर को ऑन किया होगा और मैं बोलकर पढ़ रहा था तो सब रिकॉर्ड हो गया। 15 मिनट बाद मुझे फ़ोन आया तो ये क्रम टूटा। वो रिकॉर्डेड मैसेज मैंने श्वेता को व्हाट्सएप पर भेज दिया। थोड़ी ही देर में उसकी प्रतिक्रिया आई, वाह आपकी आवाज़ तो बहुत गहरी और दमदार है। मुझे लगा कि इन दिनों खाली तो हूँ ही, रोज़ 15 मिनट किताब पढ़कर ऑडियो बनाता हूँ और सबको भेज दूँगा। अच्छा आइडिया मिला अनजाने में ही सही। वो हम अक्सर कहते हैं कि गीता में लिखा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस समय में ये रिकॉर्डिंग होना अच्छा हुआ कि मुझे कोई अच्छे तरीके से समय बिताने का रास्ता दिखा। चैप्टर 25। वीर जी कहाँ हो? सुनीता ने आकर मुझे ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। तुम कब आई? और अचानक विवेक के साथ आ गई। मंगलवार मेरी भी छुट्टी होती है, सोचा आपसे मिल लूँगी और आस्था की शादी नज़दीक आ रही है तो सरोज से भी मिल लाऊंगी। कैसा चल रहा है सब? ठीक है, मुस्कुराकर कहा मैंने। साइड इफ़ेक्ट्स? वो तो होने ही हैं, उनसे बचा ही नहीं जा सकता। चलो मैं आती हूँ सरोज से मिलकर थोड़ी देर में। अचानक सुनीता के आ जाने से मन में जो किसी अपने के होने की चाहत जगी उसकी पूर्ति होने लगी। ऐसे तो कल शाम तक विवेक के साथ लौट जाएगी, मगर उसके आने से मम्मी पापा जी को बहुत अच्छा लगा होगा, ये निश्चित है। सुनीता और मेरी अच्छी निभती है, स्वभाव भी मिलता है। उसे बहुत कुछ नहीं कहना पड़ता, लेकिन एक बात है कि अंत में तो मुझे ही मेरे साथ रहना है ना, तो मुझे खुद से सब बातें करनी हैं। जो भी दिक्कतें हैं उनके हल भी मुझे ही ढूंढने हैं। कोई भी किसी के साथ हमेशा तो नहीं रहता, ना ही रह सकता है। मेरे लिए मुझे ही सारे निर्णय करने हैं। मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या चाहिए, मुझे कैसे उससे निपटना है, कैसे खुद को मोटिवेट रखना है, सब मुझे ही करना है। तुम कब से कर्ता बन गए? अंतर्मन ने जोर से हंसते हुए पूछा। हाँ जी, ये तो मैं गलत बोल गया, मैं तो माध्यम भर हूँ। मेरे चाहने से तो कुछ होता नहीं है, होता तो वही है जो ईश्वर चाहते हैं, तो मैं करता तो हो ही नहीं सकता। सुनीता लौट आई तो हम देर रात तक बातें करते रहे। रात आधी बीत चुकी है, दर्द जाग रहे हैं और शरीर के कोने कोने में अपना अधिकार जता रहे हैं। ये दर्द रात में ही जागते हैं, ऐसे में अक्सर दर्द की गोली ही काम आती है। आज कुछ ज्यादा है दर्द, गोली ने भी कोई असर नहीं दिखाया। दर्द सहने की बहुत क्षमता है मेरी, मगर आज वह क्षमता भी फेल हो गई है। करवटे बदलते हुए रात बीती, सुबह जल्दी जाना है, कीमो का दिन है, रात में नींद आ जाती तो अच्छा होता।